हेलो दोस्तों, एक बार फिर से इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम नारायण है और जैसा कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ दोस्तों, इंटरव्यू में जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डेस्कटॉप सपोर्ट लेवल के लिए या लेवल वन के लिए, हार्डवेयर या नेटवर्क इंजीनियर के लिए बेसिक, मतलब जब हम एंट्री लेवल करते हैं और फ्रेशर हैं या फिर टेक हेल्प डेस्क सपोर्ट के लिए जाते हैं, तो उस वक्त बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं हमसे। तो हमको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो मैं एक एक करके कॉन्सेप्ट शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंस मैं खुद 5 साल से टेक्नोलॉजी के इसमें हूँ, काम कर रहा हूँ, 4-5 कंपनी के साथ काम किया है। तो जस्ट कुछ इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए थे, उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था मेरे, बहुत बेसिक चीज़ें पूछी बट बता नहीं पाए। बंदे मेरे को चाहिए थे हायर करने के लिए, तो उसी से थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। अगर आप किसी को, अगर एक चीज़ भी अगर समझ में आए या पता चले तो मुझे वो काफ़ी खुशी होगी। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं, आपके लिए हेल्पफुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके लिए आपको जस्ट YouTube.com पर जाना है और मेरे नाम से ही आप मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं। जस्ट टाइप मेरा नाम यहाँ पे, नारायण बघेल, और आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। ये मेरा चैनल है, अभी तक मैंने कुछ 280 के आसपास वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, ऐसी ऐसी वीडियो। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मिलेंगे बहुत सारे वीडियो हैं जो कि मैं CCN MCERT के टॉपिक्स पे ही अपलोड करता रहता हूँ, क्योंकि वो मेरे फेवरेट टॉपिक है। तो हम इस वीडियो को देखेंगे। अब मैं इसमें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ विंडोज सिस्टम मैनेजमेंट टूल्स, ठीक है? तो ये हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या टूल्स हैं हमारे पास, और एक एक करके उनको देखेंगे। तो गाइज, ऐसे मैंने इस चैप्टर को डिज़ाइन किया था, इस लेसन को, ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं इतनी सारी चीज़ें। तो पहले मैंने पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में एक वीडियो अपलोड किया है, फिर यूज़र इंटरफेस, 2 वीडियो हैं इसके, विंडोज़ फाइल सिस्टम मैनेजमेंट लास्ट वीडियो अपलोड किया है। अब मैं विंडोज़ सिस्टम मैनेजमेंट टूल्स के बारे में एक इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूँगा। आई होप कि ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अब यहाँ पे मेरा चैनल का URL भी है, अगर आप चाहें तो ये URL भी ट्राई कर सकते हैं। ये वाइट कलर में यहाँ पे दिख रहा है, तो इससे भी आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसमें मैंने तीन कहना चाहिए कॉन्सेप्ट्स हैं, और हम इसको देखेंगे एक एक करके। विंडोज़ सिस्टम मैनेजमेंट टूल्स, 3 टूल है हमारे पास। पहला है द कंप्यूटर मैनेजमेंट कंसोल, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल, तीसरा है द रजिस्ट्री, ठीक है? तो एक एक करके देखेंगे हमको, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कम एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय MMC, और व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल, और व्हाट इज़ कंप्यूटर मैनेजमेंट। तो हमको पता होना चाहिए व्हाट इज़ रजिस्ट्री, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रजिस्ट्री। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बड़ा आसान हो जाता है। तो पहला यही देखेंगे हम, व्हाट डू यू मीन बाय द कंप्यूटर मैनेजमेंट कंसोल, ठीक है? कंप्यूटर मैनेजमेंट इज़ द प्राइमरी एडमिनिस्ट्रेटिव टूल यू विल यूज़ टू मैनेज एंड कॉन्फिगर द कंप्यूटर। तो ये क्या है, प्राइमरी क्या है हमारे पास, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स हैं जो हम सिस्टम को कॉन्फिगरेशन या मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। कंप्यूटर मैनेजमेंट कंबाइन सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव यूटिलिटीज इन टू अ सिंगल कंसोल टू प्रोवाइड ईजी एक्सेस टू सिस्टम प्रॉपर्टी एंड टूल्स। तो ये कहना चाहिए क्या है, एक छोटी सी हमारे पास यूटिलिटी कह सकते हैं जिसमें हमको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है एक साथ। द कंसोल ट्री ऑन द लेफ्ट शोज अ हायरार्किकल व्यू ऑफ द वेरियस फंक्शनल नोड्स विद इन कंप्यूटर मैनेजमेंट। द डिटेल पेन ऑन द राइट शोज द डिटेल ऑफ द सिलेक्टेड नोड। तो अभी आप देखिए, यहाँ पे एक मैंने छोटा सा इमेज लिया है, तो ये कंप्यूटर मैनेजमेंट है, ठीक है? तो ये हमारा क्या है, हायरार्किकल व्यू दिखा रहा है, जैसे कि मैंने लेफ्ट साइड में बोला, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। उसमें डिटेल में अगर हम देखें तो कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड नोड, यहाँ से हम कोई कुछ भी सिलेक्ट करते हैं तो उसकी डिटेल हमको पता चलेगी। तो अगर हम यहाँ पे भी देखते हैं, सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ मैनेज में, तो ये मेरे को मैनेज में जाऊँगा तो कंप्यूटर मैनेजमेंट आएगा, या फिर दूसरा तरीका ये आ गया कंप्यूटर मैनेजमेंट। दूसरा तरीका, हम यहाँ पे कंट्रोल पैनल में भी जा सकते हैं। कंट्रोल पैनल में यहाँ देखेंगे हमको सिस्टम, ये डिवाइस मैनेजर, डिवाइस मैनेजर में जाएंगे तो
ये डिवाइस मैनेजर एक अलग है, आई मीन अलग नहीं है, उसी का पार्ट है। तो मैं यहीं पे बताता हूँ आपको। अभी देखिए यहाँ पे आया, मैं कहाँ पे आ गया हूँ, कंप्यूटर मैनेजमेंट में। तो वो जो डिवाइस मैनेजर में देख रहा था वो यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और जैसे कि मैं बोला था ये हायरार्किकल है। तो अगर आप किसी एक को क्लिक करोगे तो इसके नीचे भी हमको ऑप्शन मिलेंगे। अब सपोज मैं शेयर शेयर फोल्डर को क्लिक करता हूँ, तो देखिए इधर पे आया। अभी मेरे को यहाँ पे मिल रहा है कि हम शेयर कर सकते हैं सेशन, ओपन फाइल्स, इनको भी क्लिक करेंगे तो हमको ऐसे डिटेल मिलेगी क्या है क्या नहीं है करके। और यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, बहुत सारी पर्पस के लिए काफ़ी यूज़फुल है ये। सपोज मेरे को अभी सिस्टम पे एक यूज़र बनाना है, तो हम यहाँ पे न्यू यूज़र कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, डिस्क मैनेजमेंट है हमारे पास, डिस्क को हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमको अगर पार्टीशन करना है कुछ, तो देखेंगे यहाँ पे हमको सारी डिस्क दिख रही है। डिस्क को डिफेगमेंट करना है, ओपन करना है, एक्सप्लोर करना है, चेंज ड्राइव लेटर करना है, फॉर्मेट करना है, वॉल्यूम को एक्सटेंड करना है, श्रिंक करना है, डिलीट करना है इसकी प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से हम क्या है, कंप्यूटर को मैनेज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। बहुत सारी चीज़ें हैं, नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूँगा मैं टॉपिक बाय टॉपिक। तो ये हमारा क्या होता है, कंप्यूटर मैनेजमेंट है, हमको पता होना चाहिए। अब इसके बाद में क्या है, देखिए यहाँ पे कंप्यूटर मैनेजमेंट टूल्स, तो वही जो चीज़ें मैंने अभी दिखाई, वहाँ पे एक इवेंट व्यूवर रहेगा, शेयर फोल्डर रहेगा, इनका क्या है मॉनिटर। अगर इवेंट व्यूवर से हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं सिस्टम इवेंट सच एज लॉग ऑन टाइम एंड एप्लीकेशन एरर। फिर से अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ आपको, तो कहाँ गया ये, तो अगर हम यहाँ पे इवेंट व्यूवर पे देखें तो कस्टम व्यूज, इस तरीके से सिस्टम लॉग को अगर देखें हम, सिक्योरिटी सेटअप सिस्टम, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है रहती है यहाँ पे, हम सब इनको मॉनिटर कर सकते हैं। अगर हम इसे यहाँ पे लॉग देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा आज दिन भर में एप्लीकेशन रिलेटेड कुछ एरर है या क्या भी कुछ, तो यहाँ पे कुछ अगर हुआ है उस रिलेटेड तो हमको यहाँ पे क्या सारी डिटेल मिल जाती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें, तो इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे डिटेल मिल जाती है, आउटलुक रिलेटेड ड्रैग और विंडोज़ एरर कुछ आया है, तो ये सारी डिटेल हमको इस तरीके से मिलती रहती है। तो इवेंट व्यूवर हुआ, फिर अगर शेयर कुछ फाइल शेयर करनी है तो वही मैंने बोला था यहाँ पे हम क्या कहते हैं शेयर कर सकते हैं। न्यू शेयर करना है तो यहाँ पे फिर से नाम देना पड़ेगा, पाथ कहाँ पे शेयर करना है। डिवाइस मैनेजर, डिवाइस मैनेजर से क्या होता है, डिवाइस मैनेजर से हमको कहाँ गया ये डिवाइस मैनेजर, तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि किस डिवाइस को हमने ड्राइवर इंस्टॉल करना है, ड्राइवर है या नहीं है। और यहाँ से हम क्या है, दूसरी चीज़ देखें तो अभी हम किसी अगर कीबोर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ तो, और कोई दूसरा लेता हूँ मैं यहाँ पे, हम यहाँ पे ले लेते हैं एक ये वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम अपडेट भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं, अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हमको ये कंप्यूटर मैनेजमेंट हेल्प करता है। तो हमें पता होना चाहिए इसके बारे में बेसिक चीज़, ठीक है। वैसे रिमूवल स्टोरेज है वहाँ पे, डिफ्रेगमेंटेशन है, डिस्क मैनेजमेंट है, सर्विसेज है, WMI कंट्रोल है, इंडेक्सिंग सर्विसेज है। आप इधर देख सकते हैं इनका क्या क्या यूज़ है। अब उसी तरीके से दूसरी यूटिलिटी कहें या फिर टूल कहें, वो है MMC, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल बोलते हैं। तो ये क्या है, कंप्यूटर मैनेजमेंट इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल। तो जो हमारे पास कंप्यूटर मैनेजमेंट था जिसमें पिछला स्लाइड में बोला, वो इसी तरीके का है बिल्कुल। बात करें हम तो MMC जैसे ही इंटरफेस है उसका भी। द MMC इंटरफेस प्रोवाइड स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क फॉर वाइड वैरायटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स विद इन विंडो। तो MMC क्या है, ये हमको भी एक यूटिलिटी है जो कि वैरायटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स प्रोवाइड करता है। अभी देखेंगे इसको हम, ऑल MMC कंसोल हैव टू पेन स्ट्रक्चर विद हायरार्किकल कंसोल ट्री व्यू ऑन द लेफ्ट एंड डिटेल पेन ऑन द राइट साइड। तो इसमें भी वही रहता है, लेफ्ट हैंड में हमारा क्या हायरार्किकल डेटा रहता है और राइट हैंड पे उसका डिटेल रहता है। अभी देखेंगे यहाँ पे, कंप्यूटर मैनेजमेंट इज जस्ट वन ऑफ सेवरल प्री कॉन्फिगर्ड MMC कंसोल दैट आर इंक्लूडेड विद विंडोज। तो जो हमारे पास कंप्यूटर मैनेजमेंट है वो एक तरीके का क्या है, MMC ही है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को जब इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ आता है। अभी इसको देखने के लिए क्या करेंगे हम, सपोज हमको चाहिए तो आप यहाँ पे MMC टाइप कीजिए, MMC माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल, तो ये आ गया। तो कहने का मतलब क्या था मेरा, हम मेरा यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमको ऑप्शन रहता है, अगर हम फाइल में जाएंगे तो न्यू है, ओपन है, सेव है, सेव एस है। तो हमारे पास ये क्या होता है, यहाँ पे एक ऐड एंड रिमूव स्नैप होता है, ठीक है। अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हमको इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं। फिर से यहीं पे देखिए वही आ रहा है, सर्विसेज, सिक्योरिटी टेम्पलेट्स, शेयर फोल्डर, तो इन सबको यूज़ करना है। तो मैं इनको क्या है, मेरे को अगर कुछ चीज़ें यहाँ से बार बार
ओपन करनी है तो मैं इसको शॉर्टकट जैसे एक बना सकता हूँ। मेरे को डिवाइस मैनेजर चाहिए, मैं इसको इधर ऐड कर लिया। ओके, इधर पे मेरे को क्या चाहिए, एक सर्टिफिकेट का भी चाहिए, मैं इसको ऐड कर लिया। अभी मुझे यहाँ पे क्या है, डिस्क मैनेजमेंट भी चाहिए, इसको ऐड कर लिया। यहाँ से ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट भी चाहिए, इसको ऐड कर लिया मैंने। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ओके कर लूँगा और इसको सेव कर लूँगा। इसको सेव कर लिया मैंने डेस्कटॉप पे, ये कंसोल वन के नाम से। ओके, और इसको क्लोज कर दिया। अब मुझे क्या उतनी चीज़ हर दिन बार बार चाहिए होती है, तो मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसको ओपन करके, तो मेरे को अगर यहाँ पे लोकल कंप्यूटर पॉलिसी पे जानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा जी पी एडिट पे, जी पी एडिट डॉट एम एस सी पे, इतना करना पड़ेगा। ऐसे करके जाऊंगा, फिर यहाँ पे मैं पॉलिसी ढूंढूंगा। लेकिन अगर मैं कंसोल बना लेता हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल, तो मुझे वो यहीं पे मिल जाएगा। यूज़र कॉन्फ़िगरेशन, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन यहीं पे आ रहा है, जो कि मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या है, ये हमको हेल्पफुल है, काफ़ी एक टूल है। फिर से डिस्क मैनेजमेंट का देखना है तो यहीं पर आ गया मेरे को ये कंसोल के अंदर। सर्टिफिकेट देखना है तो सर्टिफिकेट की डिटेल आ गई। डिवाइस मैनेजर देखना है तो मेरे को यहाँ पे फिर से डिवाइस मैनेजर यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से क्या है, ये हमको हेल्पफुल है, और इस तरीके से हम सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एम एम सी, विच इज़ माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल। अब तीसरा हमारे पास जो टूल है वो है रजिस्ट्री। रजिस्ट्री क्या है, काफ़ी क्रिटिकल चीज़ है, काफ़ी केयरफुल होकर हमको यहाँ पे काम करना पड़ता है, क्योंकि ये नंबर्स पे डील करती है। नंबर्स यहाँ पे काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, तो हमको बहुत ही केयरफुल होकर काम करना है, और सारी चीज़ें एग्जैक्ट पता होना चाहिए, तभी हमको रजिस्ट्री के साथ कुछ काम करना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, रजिस्ट्री, द रजिस्ट्री इज़ द सेंट्रल कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस वेयर विंडोज स्टोर्स एंड रिट्रीव्स स्टार्टअप सेटिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन फॉर लोकल यूज़र अकाउंट्स। तो ये क्या है, ये एक एक डायरेक्टरी है जहाँ पे सारा कंप्यूटर का, चाहे हार्डवेयर यूज़र जितना भी है सिस्टम का डिटेल, वो सारी की सारी यहाँ पे स्टोर रहती है। और जब सिस्टम बूट होता है तो स्टार्ट होता है, उस वक्त यहाँ से ही इंफॉर्मेशन सिस्टम रिट्रीव करता है, इंफॉर्मेशन लेता है कि कौन सा यूज़र ने लॉग इन किया, तो उसको क्या परमिशन है, उसको क्या विंडोज़ डिस्प्ले करनी है, उसने क्या क्या किया है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसको यहाँ से मिलती है, रजिस्ट्री से। लॉजिकली अगर हम बात करें, लॉजिकली द रजिस्ट्री इज डिवाइडेड इंटू 5 सेक्टर्स कॉल्ड सब ट्रीज। तो इसको क्या है, 5 सेक्टर सेक्शन में डिवाइड किया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब ट्री बोलते हैं। ईच सब ट्री इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू की दैट कंटेन इंडिविजुअल डेटा आइटम आइटम्स कॉल्ड वैल्यू एंट्रीज। तो फिर से क्या है, इन सब ट्री को फिर से डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। द रजिस्ट्री इज स्टोर्ड ऑन द डिस्क एज अ ग्रुप ऑफ फाइल्स। तो ये क्या है, एक तरीके से ग्रुप ऑफ फाइल भी इसको हम बोल सकते हैं, या फिर ये स्टोर होती है सिस्टम में। अब यहाँ पे देखिए, रजिस्ट्री एडिटिंग की बात करें हम, तो मैं आपको दिखाऊँ, इसके लिए हमको रेज एडिट करके यहाँ पे टाइप करना होता है। अगर आपको रजिस्ट्री पे जाना है, तो मैंने क्या टाइप कर दिया, गलत कर दिया मैंने, रेज एडिट, ठीक है। तो ये रजिस्ट्री आ गई। अभी मैंने बोला कि इसको हम पाँच उसमें डिवाइड किया है, 5 भाग में। फिर से इसके अंदर ढेर सारी चीज़ें होती है, अगर इसको हम देखें तो हायरार्किकल होता है। अभी कुछ भी हमको चेंज करना है यहाँ पे, फिर से देखिए, हार्डवेयर है यहाँ पे, सिक्योरिटी का है, सॉफ्टवेयर का है, तो इनकी हम वैल्यू ऐसे चेंज कर सकते हैं अगर यहाँ पे देखेंगे तो। ये सारी चीज़ें क्या है, काफ़ी क्रिटिकल है, हमको जब तक पता ना हो बराबर, हमको ये सब चेंज नहीं करना चाहिए। ये जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर्ड है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आती है, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तभी वो इंस्टॉल हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे वही लिखा होगा कि यू कैन व्यू एंड एडिट द कंटेंट ऑफ रजिस्ट्री डायरेक्टली यूजिंग द रजिस्ट्री एडिटर, जो अभी मैंने ऊपर किया था, ओपन किया था रजिस्ट्रेटर, ये रजिस्ट्री एडिटर है, ये अभी कमांड रहा है उसकी, रेज एडिट डॉट ई एक्स सी कमांड रन करना। हाउ एवर, मोस्ट चेंजेस टू द रजिस्ट्री आर मेड ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम, द हार्डवेयर डिवाइसेस एंड बाय द एप्लीकेशन। तो वही सारी एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद उसमें क्या आता है, चेंज होती रहती है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता है। इट इज़ क्लियरली नेसेसरी टू एडिट रजिस्ट्री डायरेक्टरी, इट इज़ रेयरली नेसेसरी, वही मैं कह रहा था कि बहुत कम ही हमको उसकी क्या कहते हैं, जो डेटा है उसको चेंज करना होता है, एडिटिंग करनी होती है। इफ़ यू एवर नीड टू डू सो, यूज़ एक्सट्रीमली कॉशन। तो वही हमको क्या है, बहुत ज़्यादा उसका प्रिकॉशन रखना पड़ता है कि वहाँ पे कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट ना हो जाए, उससे क्या है, सिस्टम बंद पड़ सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है सिस्टम में। तो जब भी हम उसको एडिट करें, हमको श्योर होना पड़ता है कि क्या एडिट करना है, क्या एडिट नहीं करना है। अभी यहाँ पे देखेंगे रजिस्ट्री फाइल, तो क्या है, रजिस्ट्री फाइल 5 फाइल्स रहती हैं इसमें, स्टोर्ड इन लोकेशन विंडो सिस्टम 32 कॉन्फिग फोल्डर करके एक रहेगा। अगर हम जाएँ यहाँ पे सिस्टम 32 में जाके अगर देखते हैं, तो यहाँ पे कॉन्फ़िग फोल्डर रहेगा,
ये कॉन्फिग फोल्डर, तो इसके अंदर वो जो भी है सारा जो हमारा रजिस्ट्री का डेटा है वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये उसकी लोकेशन होती है, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ करना नहीं चाहिए। डिफ़ॉल्ट क्या रहता है इसके अंदर, सैम सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम प्लस देर इज़ अ रजिस्ट्री फाइल नेम्ड एंटी यूज़र डॉट बैच करके ये फाइल रहेगा। इसको भी देखें क्या एक बार, हम इसको यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ये रहा, ये इस तरीके का सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे कुछ नेट करके आ रहा था क्या, एंटी, वो फाइल नहीं दिख रही है शायद मेरे को यहाँ पे, इसको हाइड रहेगी, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास रहती है रजिस्ट्री में, तो उससे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे रजिस्ट्री सब ट्री, दिस रजिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ 5 सब ट्री समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड हाइव्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं, हाइव्स भी बोलते हैं। सम ऑफ द सब ट्रीज आर टेम्प्रेरी पॉइंटर टू इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंटली इन अदर रजिस्ट्री लोकेशन। तो अभी इसको मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। यहाँ पे देखेंगे ये है, अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन ना करूँ, यहाँ रेज एडिट भी जाऊँ, तो वही चीज़ आ रही है कि ये 5 हमारे पास होते हैं। अभी इनके अंदर इसमें क्लास रूट, क्लासेस रूट की इन्फॉर्मेशन रहती है, करंट यूज़र की रहती है, इसमें लोकल मशीन की रहती है, फिर यहाँ पे और भी कोई यूज़र्स हैं, या फिर ये करंट कॉन्फ़िगरेशन रहता है उस सिस्टम का सॉफ्टवेयर का, इस तरीके से इनको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। अभी एक एक करके यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इतना सारा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे लोकल मशीन की बात करें, तो ऑल द कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन फॉर द कंप्यूटर्स हार्डवेयर, फॉर एग्जाम्पल दिस सब ट्री कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मॉडर्न मॉडम्स इंस्टॉल ऑन दिस कंप्यूटर, एनी डिफाइंड हार्डवेयर प्रोफाइल एंड नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से हम देखें, अभी अगर यूजर्स की बात करें, इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है कि यूजर स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल यूजर्स हु हैव एवर लॉग्ड ऑन टू द कंप्यूटर। तो अगर कोई यूज़र 4 यूज़र है, तो चारों यूज़र की इन्फॉर्मेशन इस हाइप की बात करें या फिर इस सब ट्री की बात करें उसके अंदर रहेगी। अभी ये करंट कॉन्फ़िगरेशन, तो इस तरीके से क्या है, इसमें डिटेल फीड रहती है, इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। अभी हमारे पास वैसे ही एक और है, माई नेटवर्क प्लेसेस। तो ये तो शायद मेरा पिछला वीडियो का ऐड हो गया है यहाँ पे, ये वाली स्लाइड। ओके, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि यूज़र इंटरफेस क्या क्या होते हैं कंप्यूटर, तो उसमें ये एक स्लाइड था मेरा, तो जिसमें ये मैंने शायद डिस्कस किया है कि हम जो हमारा माई कंप्यूटर, इसको भी यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। माई कंप्यूटर प्लेस जो है हमको पूरा नेटवर्क के बारे में दिखाता है कि कौन सा कंप्यूटर हमारे पास नेटवर्क में कनेक्टेड है। हमको लैन का वहाँ पे डिटेल मिलता है, इंटरनेट है या नहीं है, लैन एक्टिवेट है या नहीं है, कनेक्टेड है या नहीं है। यहाँ पे देखिए डिस्प्ले ऐड शॉर्टकट, अगर हमारे पास कुछ नेटवर्क में हमने फाइल शेयर करके रखी है उसकी इन्फॉर्मेशन भी रहती है। कुछ हमको नेटवर्क क्रिएट करना है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल रहती है। रिमोटली हम शेयर फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, माई नेटवर्क प्लेस हमको हेल्पफुल होता है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही था, आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है। अगर इन्फॉर्मेटिव है, आपके कुछ डाउट्स क्लियर होते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, उसमें भी मैं कुछ और जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में शेयर करूंगा। टिल देन इस वीडियो को देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। बाय बाय।